हेलो फ्रेंड, मैं इमरान अहमद अंसारी। फैशन की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम सीखेंगे आस्तीन में डिज़ाइन बनाने का तरीका। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाया जाएगा, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये आस्तीन है जो पहले से कटा हुआ है और इसमें हमको डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से हम इसको दोनों को इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ से हम कट लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से बीच में हमको कट लगा लेना है। तो ये जो हमारा कपड़ा है, ये मेन पल्ला है हमारा, और नीचे जो ये हमारा है वो अस्तर है। तो पहले हम मेन पल्ले में इस तरह से प्लेट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमको छोटा छोटा प्लेट लगाना है। तो इस तरह से हम बराबर करते हुए इस तरह से प्लेट लगा लेंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही ईजी है। इस तरह से हमको प्लेट लगाना है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इस तरह से हम बराबर करते हुए प्लेट लगाएंगे। फ्रेंड, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन भी दबा लें, जिससे क्या होगा, इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ तक हमने कट लगाया है। उसके बाद हम इस तरफ इसको पलट के यहाँ से हम इस तरफ प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमको दूसरी तरफ प्लेट डालना है। तो इस तरह से हम दूसरी तरफ प्लेट लगाना चालू करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। फ्रेंड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमको प्लेट लगाना है। तो इस तरह से हम प्लेट लगाएंगे। तो इस तरह से बराबर करते हुए हमको प्लेट लगा लेना है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है। इस तरह से बराबर करते हुए हमको प्लेट लगाना है। तो ये हमारा हो गया। इसको हम काट के निकाल देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमको दूसरी तरफ सेम इसी तरह से प्लेट लगाना है। तो बराबर करते हुए हम इस तरह से दूसरी तरफ का प्लेट लगाएंगे। इस तरह से बराबर करते हुए आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। इस तरह से हमको दूसरी तरफ का प्लेट लगा लेना है। सेम इसी तरह से हम प्लेट लगाएंगे, आप देख सकते हैं बराबर करते हुए। फ्रेंड, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें सूट में, कुर्ते में, फ्रॉक में, ब्लाउज में, जिसमें भी चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हमको बराबर करते हुए प्लेट लगा लेना है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम काट के निकालेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हो चुका है। इसको हम बराबर करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमको अस्तर लेना है। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और बराबर कर लेंगे। और यहाँ से हम सिलाई लगा के अस्तर को अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर करते हुए हमको सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हम घुमाते हुए इसको अटैच करेंगे अस्तर को। बहुत ही ईजी है। इस तरह से हमको अटैच कर लेना है। इस तरह से बराबर करते हुए आप देख सकते हैं हमको बराबर करते हुए इस तरह से अटैच करना है। तो ये हमारा इस तरह से हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो चुका है। और यहाँ से हम इसको जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम काट देंगे इस तरह से अस्तर के हिसाब से। तो अस्तर को हम देखते हुए इस तरह से बराबर काट लेंगे इसको। इस तरह से हमको काट लेना है, आप देख सकते हैं। काट के हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो अस्तर के हिसाब से हमको काटना है। जिस हिसाब से हमारा अस्तर कटा हुआ है उसी हिसाब से हमने इसको काट लिया है। और इस तरह से काट के हमने बराबर कर लिया है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हमको इसमें इस तरह से पट्टी लगाना है। तो हम इस तरह से एक पट्टी लगाएंगे। आप अपने हिसाब से जो भी कलर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से। और इसको हम यहाँ रखेंगे और सीधी सिलाई लगा के इसको हम अटैच करेंगे इसमें। इस तरह से बराबर करते हुए हमको अटैच कर लेना है। और ये हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे और इसको हम इस तरह से पीछे की तरफ पलट के इस तरह से बराबर करेंगे और सिलाई लगाएंगे ऊपर। तो इस तरह से हमको बराबर कर लेना है, पीछे की तरफ पलट के और ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से बराबर करते हुए। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हमको बराबर करते हुए सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से बराबर करते हुए हमको सिलाई लगाना है। बहुत ईजी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमको सिलाई लगाना है बराबर करते हुए। और ये हमारा इस तरह से सिलाई हो चुका है। इसको हम काट के निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा लग चुका है। इसको हम साइड में रखेंगे और इस तरह से एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 3 इंच है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 2 बार। तो डबल फोल्ड हमको करना है, इतना 2 बार करेंगे। तो ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे, बस पतला ही करेंगे। और यहाँ से हमको सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से मोड़ते हुए, आप देख सकते हैं। तो हमको पतला मोड़ना है, ज़्यादा चौड़ा हम नहीं मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं इस तरह से बराबर करते हुए हमको
सिलाई लगाना है तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। बराबर करते हुए आप देख सकते हैं इस तरह से हमको मोड़ के सिलाई लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे और दूसरे तरफ हमको गेजिंग देना है। तो यहाँ से हम चुन लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। इस तरह से हमको दूसरे तरफ इसमें चुन लगाना है। तो इस तरह से हम चुन लगाएंगे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे। इस तरह से हो चुका है। और इसके बाद हमको आस्तीन लेना है और इसमें अटैच करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको रखेंगे इसके ऊपर और सिलाई लगा के हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमको बराबर करते हुए सिलाई लगा के अटैच करना है। तो इस तरह से हम बराबर करते हुए सिलाई लगा के अटैच करेंगे। बहुत ईजी है। आप देख सकते हैं बराबर करते हुए इस तरह से हमको अटैच करना है। तो इस तरह से हम बराबर करते हुए अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। और जो हमारा एक्स्ट्रा फ्रिल रहेगा उसको हम काट के निकाल देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड इसी तरह की और डिज़ाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये दोनों में से एक देख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।